सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कनेर का फूल वर्ग में कैसे बनाते हैं एंड उसको कैसे पेंट करते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो गाइस, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है कनेर का फूल बनाने के लिए, एंड वो भी वर्ग में पूछा है, वर्ग में बनाने के लिए। तो आज मैं वही बनाने जा रहा हूँ, वर्ग में कनेर का फूल। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड सभी बातें सिखाने वाला हूं, आपको किस तरह से बनानी है एंड उसको किस तरह से पेंटिंग करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे एक वर्ग बना लिया है, देन मैं इसके अंदर फूल को बनाना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से तना निकालनी है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। तो गाइस, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, कनेर का फूल वर्ग में बनाइए एंड उसको पेंट कीजिए। तो आप इस वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए मैं इसको कैसे बना रहा हूँ एंड इसको कैसे पेंट कर रहा हूँ। तो चलिए आगे के पार्ट को बनाते हैं हम। इसके बाद गाइस, इधर से भी एक तना निकाल देंगे। तो गाइस, ताना हमारा पूरा बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं पत्तियों को बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ इसी तरह पत्तियाँ बनानी है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे गाइस, मैं आपको पूरा ए टू जेड सिखाऊंगा कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको पेंट करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद इधर से भी दो तीन पत्तियाँ बना देता हूँ। इसके बाद गाइस, यहाँ पे एक कली बना देता हूँ, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। देन गाइस, यहाँ पे मैं एक पत्ती और बना देता हूँ ताकि अट्रैक्टिव दिखे। तो गाइस, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रश वगैरह, पेंसिल वगैरह, नंबर वगैरह कुछ भी पूछना हो, ब्रश का नंबर, पेंसिल का नंबर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं फूल को बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रिक मैं अपना रहा हूँ, तो आपको भी कुछ इसी प्रकार के ट्रिक का यूज़ करनी है। तो आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से कर लेनी है, देन आपको फूल को बनाना स्टार्ट करना है कुछ इस तरह से। तो गाइस, ये काफ़ी इजी ट्रिक है, तो आप भी कुछ इसी प्रकार से बनाइएगा। तो गाइस, फाइनली हमारा फूल बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डार्क करूंगा। तो पहले मैं इधर का एक और कली बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको डार्क करनी है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। इसके बाद गाइस, अब इसको हम डार्क कर लेते हैं। तो डार्क करने के लिए यहाँ पर मैं सेम पेंसिल का यूज़ किया है, कोई भी दूसरा पेंसिल नहीं लिया है, बस इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा इसको। तो फाइनली गाइस, हमारा फूल बनकर तैयार चुका है। अब इसको हम पेंटिंग करना सीखेंगे। तो पेंटिंग करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पेंटिंग करनी है पत्तियों को। तो इसमें काफ़ी डिटेलिंग है, तो आपको केयरफुली वॉच करनी है वीडियो को एंड सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो चलिए सिखाते हैं आपको कैसे इसको पेंटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं एक नंबर एंड छः नंबर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। तो पत्तियों को बनाने के लिए यहाँ पर मैं येलो पेंट का यूज़ कर रहा हूँ एंड कॉर्नर पर ग्रीन पेंट का यूज़ करूँगा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपको पेंट ले लेनी है ब्रश में, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, देन आपको अप्लाई करना है इस पे। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से पेंटिंग होगी, तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं। तो गाइस, पत्तियों को पेंट करना काफ़ी आसान होता है, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छी तरह से पेंटिंग कर पाएंगे, वरना एक दिन में अगर आप चाहें बनाने के लिए तो आप नहीं बना पाएंगे और ना ही अच्छी तरह से पेंटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, तभी आपको अच्छी तरह से पेंटिंग करना आएगा।
एंड गाइस मैं आपको बता दूं, जो भी आपको आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछनी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होगी। ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कैसे इसको पेंटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर येलो पेंट लिया है एंड कॉर्नर पर ग्रीन पेंट लिया है। ठीक है, इसके बाद हम इसको पेंट करेंगे। तो चलिए इसको पेंट करते हैं। तो गाइस अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा पेंटिंग करना, वरना एक दिन पेंटिंग करेंगे तो आप अच्छी तरह से पेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कम से कम आधे से एक घंटे तक प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर, तभी आपको अच्छी तरह से पेंटिंग करना आएगा। तो चलिए इसकी सभी पत्तियों को पेंट कर लेते हैं। इसके बाद गाइस इसके तने को पेंट करनी है, जो इसके ब्रांच वगैरह है इसको पेंट करनी है। तो इसको पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली पेंट का यूज़ किया है, येलो एंड ग्रीन पेंट का मिक्स पेंट यूज़ किया है। तो चलिए इसको भी अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। तो गाइस मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए, शायद यही क्वेश्चन फिर से आ जाए तो आप अच्छी तरह से बनाना सीख जाएंगे। तो यही आप बना सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे के पार्ट को भी बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर फुल पेंट करने के लिए सिंपली येलो पेंट का यूज़ किया मैंने। तो चलिए इसको भी पेंट कर लेते हैं। तो गाइस पेंटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे इसके बैकग्राउंड को पेंट करते हैं। तो बैकग्राउंड पे भी काफ़ी अच्छा आपको नंबर मिलता है, तो इसको भी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसको भी मैं अभी सिखा दूंगा, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देन गाइस आपको कलियों को पेंट कर लेनी चाहिए, तो चलिए इसको भी पेंट कर लेते हैं। तो गाइस बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्लू पेंट का यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, रेड वगैरह या ब्लू या येलो, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लू पेंट का यूज़ किया है। तो चलिए इसके बैकग्राउंड को भी पेंट कर लेते हैं। तो गाइस अगर आप चाहें तो इसमें पतली सी गैप छोड़ सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, वरना आप फुल पेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ मैं पतला सा डिज़ाइन छोड़ रहा हूँ ताकि और भी अट्रैक्टिव दिखे। तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं। यहाँ मैं अपनी वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस हमारा फुल पेंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा इसको कैसे अंडरलाइन करनी है ब्लैक पेंट से। तो यहाँ मैं एक नंबर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ अंडरलाइन करने के लिए। तो यहाँ मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो फाइनली हमारा फूल बनकर तैयार चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए।